का रुख करेंगे बिहार की राजधानी पटना का, जहां नीतीश कुमार पत्रकारों को आप समझ लीजिए अब लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए, ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तब किसी को बनाया अपने यहां, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं, और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है, किस प्रकार का काम है, इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है, एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था, अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, अब उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तो जाने दीजिए जो करता है करता, उसे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है, ये कोई सही काम है, ये कोई कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी दो विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा, तब इन लोगों को पता चलेगा। जिसको जहाँ मान्यता जाता है क्या दिक्कत है, भाजपा कह रही है जिसको जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाता है, कैसे कोई समाप्त कर देगा, किस चीज को खत्म कर देगा, आज जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है दो राज्य में जो किया। नहीं दिल्ली जाएंगे, बहुत से बात।